असलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 8 वेरिएशन एंड जेनेटिक्स को आगे लेके चलेंगे। और आज लास्ट टाइम हमने टर्मिनोलॉजीज डिस्कस कर ली थी, जो कि आपकी जस्ट बेसिक्स थी ताकि आपको चैप्टर समझ में आ जाए। आज हम मेंडल के लॉज की तरफ चलते हैं और पहला लॉ जो है वो हम देखेंगे, दैट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब आज हम लॉ की तरफ चलते हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। और आज हम चैप्टर 8 वेरिएशन एंड जेनेटिक्स की बॉटनी का चैप्टर है। अच्छा, इससे पहले आपको कोई चीज़ और मैं बता दूं कि मेंडल के बारे में, कि भाई मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मुख्तलिफ पौधों पे उन्होंने रिसर्च करी थी अपनी, कि बेसिकली उन्होंने मुख्तलिफ पौधों का चेक किया कि भाई पौधे यानी पॉलिनेशन हो रही है, सारी फर्टिलाइजेशन सब कुछ हो रही है, तो रिजल्टेंट में नया प्रोडक्ट बन रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने मुख्तलिफ मॉडल्स की स्टडी करी और उसके बाद फिर वो एक उन्होंने अपने दौर में एक नाम लिया था जीन्स के बजाय, दैट इज दी ट्रेट्स के, कोई ट्रेट्स होते हैं या कोई कैरेक्टर्स होते हैं, तो इस तरीके से नाम दिया था, जिसको बाद में वो थियोरेटिकली प्रूव हुई बात, प्रैक्टिकली प्रूव हुई है बात, फिर पता चली कि हाँ वाकई में ऐसे कोई जीन्स होते हैं दरअसल, जो कि आपकी इंफॉर्मेशन कैरी कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी फिजिकल अपियरेंस या जेनेटिक चेंजेस सब चीजें इन्फ्लुएंस होती हैं। अब हम चलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की तरफ, जिसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है, अकॉर्डिंग टू विच के कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कोई सपोज ऐसा कैरेक्टर जैसे हाइट का कैरेक्टर है, हाइट के कैरेक्टर के दो एलील्स मौजूद हैं, एक सपोज लंबी हाइट का है और एक छोटी हाइट का। अब ये दोनों साथ रहे लेकिन दोनों का एक दूसरे पर कोई इफेक्ट ना हो, यानी ऐसा ना हो कि एक टॉल जो जीन है वो दूसरे ड्वार्फ जीन को इफेक्ट करे, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये बेसिकली है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या जिसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहते हैं। अब जो है हम पढ़ेंगे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड नाम में देखें, सबसे पहले मोनो सिंगल को कहते हैं, हाइब्रिड मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ऐसा प्रोडक्ट जो के दो चीजों के यानी दो डिफरेंट कॉम्बिनेशन से मिलकर बने, दैट इज दी हाइब्रिड। तो मोनोहाइब्रिड मींस यानी ऐसा क्रॉस जिसमें सिर्फ एक कैरेक्टर के बारे में पढ़ा जाए, या द क्रॉस बिटवीन वन कैरेक्टर, दैट इज कॉल्ड दी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और इस पूरी स्टडी को फिर कहते हैं सिंगल ट्रेड इनहेरिटेंस। एक एग्जाम्पल को देखते हैं, यहाँ पे आपकी बुक की एग्जाम्पल है कि यहाँ पर सपोज एक प्लांट मौजूद है। अब कह सकते हैं कि कोई ये कोई भी कैरेक्टर कह सकते हैं हम, सपोज यहाँ पे ये वाई कैपिटल वाई एक है, एक जीन है, दूसरा इसका एलील ये कैपिटल वाई है, तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, याद रखें। तो होमोजाइगस मैंने आपको बताया था दोनों सेम अगर हो कैरेक्टर्स के सेम ही हो, और डोमिनेंट यानी वो जो कि रिसेसिव के कैरेक्टर को छुपा दे, अपने कैरेक्टर एक्सप्रेस करे, ये डोमिनेंट है। अब यहाँ पर येलो कलर के हैं, येलो कलर के कैपिटल वाई है और ये ग्रीन कलर के हैं। तो सपोज अब येलो, सपोज येलो लीफ प्लांट कह लूँ मैं, येलो सीड प्लांट कह लूँ कुछ भी, तो दैट इज येलो प्लांट। अब ग्रीन प्लांट्स के स्मॉल बाय दीज आर दी रिसेसिव, ये होमोजाइगस रिसेसिव हुए। अब ये एक पेरेंट था और दूसरा पेरेंट, सपोज फादर मदर, क्या हुआ कि जो दोनों के गैमिट्स बने, आपको ये पता होगा गैमिट्स जब बनते हैं तो गैमिट्स में क्या होता है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं, तो कैरेक्टर्स के दोनों एलील होते हैं, दो सेपरेट सेपरेट गैमिट्स में चले जाते हैं, यानी आपकी आपकी बॉडी में एक वक्त में जैसे चार स्पर्म्स बन रहे हैं, तो चार स्पर्म्स में अलग अलग जीन्स होंगे, अलग अलग यानी एलील मौजूद होंगे, तो ताकि हर एक डिफरेंट से फ्यूज होगा तो एक अलग चांस बनने के, रिजल्ट बनने के चांसेस हैं। अब यहाँ पे ये दो गैमिट्स बने, दो गैमिट्स में एक के पास कैपिटल वाई, एक के पास कैपिटल वाई, इसी तरह यहाँ पर स्मॉल वाई, दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ और रिजल्ट बना कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये जो कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, अब ये हाइब्रिड है, इसमें क्या है, इसमें जीन एक आया, एक एलील आया फ्रॉम एक पेरेंट से कैपिटल वाई और दूसरे पेरेंट से स्मॉल वाई आया। अब यहाँ पर इसका अगर मैं बात करता हूँ इसके फिनोटाइप क्या होगा, तो फिनोटाइप इसका क्या है कि इस जो अपेयर जिस तरीके से होगा वो येलो सीड प्लांट होगा ये, क्योंकि कैपिटल वाई डोमिनेंट है तो अपने कैरेक्टर शो करेगा, रिसेसिव के कैरेक्टर को छुपा देगा। अब यहाँ पर हम F1 जनरेशन्स पर जाते हैं, ये जो F1 जनरेशन थी यानी हम दो यहाँ पे रिजल्टेंट बने, दोनों को आपस में क्रॉस करवा दिया। ये बात याद रखिएगा कि ऐसे उसमें आप मुख्तलिफ ट्रेट्स पढ़ेंगे कि जिसमें पेरेंट्स के वो बन रहे हैं ऑफ स्प्रिंग बन रहे हैं, तो ऑफ स्प्रिंग का ही क्रॉस करवाया जाएगा, इन रियलिटी ऑफ स्प्रिंग का कोई क्रॉस नहीं हुआ हुआ, ये जैसे थियोरेटिकल बात है कि अगर ब्रदर सिस्टर का क्रॉस करवाया जाए तो क्या आ सकता है, इन ये थियोरेटिकल है, कोई प्रैक्टिकल नहीं है इसका। अब यहाँ पे यानी एज सच ह्यूमंस वगैरह में नहीं है कोई।
अब यहाँ पे ये येलो सीड प्लांट है, और येलो सीड प्लांट में यहाँ पे दो मैंने आपको कहा एलील है, एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई के। अब इन दोनों को यानी कैपिटल वाई स्मॉल वाई के यानी दो रिजल्ट बनते हैं। तो सपोज दोनों को मैं क्रॉस करवा देता हूँ तो एक एक गैमिट बनेगा जिसमें कैपिटल वाई एक में स्मॉल वाई होगा। अब जब इसको इस क्रॉस करवाते हैं हम इसको यानी कॉम्बिनेशन होगा इनका, तो कॉम्बिनेशन में क्या है इस तरह बनता है कि एक के जो गैमिट्स होते हैं वो इस तरह यहाँ पे जीन्स होते हैं वो इस तरह अलाइन किए जाते हैं और दूसरे के इस तरह, और ये बॉक्स में होता है इन कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई से मल्टीप्लाई हुआ तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई बना इस तरीके से ये पूरा। अब क्या है कैपिटल वाई और कैपिटल वाई यानी दोनों डोमिनेंट है तो क्या कैरेक्टर यहाँ पे आएगा येलो। कैपिटल वाई स्मॉल वाई है यहाँ पे एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव है कैरेक्टर, लेकिन किसके शो होंगे डोमिनेंट के, तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आया है येलो। स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई किस चीज को शो कर रहा है, सपोज स्मॉल वाई ग्रीन को शो कर रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा करेक्ट, यहाँ पे अगेन ये कैपिटल वाई है, ये मिस्टेक है इधर आपकी बुक में, यहाँ पर ये मिस्टेक है यहाँ पे कैपिटल वाई आएगा तो इस वजह से यहाँ पे येलो कलर आया। अब दूसरा गया स्मॉल वाई से पेयर हुआ तो ये दोनों रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं। रिसेसिव के केस में मैंने आपको कहा रिसेसिव जब अपने कैरेक्टर शो करता है जब वो उसका दूसरा जो पार्टनर है वो भी रिसेसिव हो, उस कंडीशन में वो अपने कलर एक्सप्रेस करता है अपने कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है। यहाँ पे उसके कैरेक्टर ग्रीन थे उसने ग्रीन कलर रिजल्टेंट में शो कर दिया। तो यानी आप देखिए कि हेटरोजाइगस में चांसेस क्या होते हैं, यहाँ पे 75 to 20-25% के चांसेस होते हैं कि चार ऑफस्प्रिंग में से एक ऑफस्प्रिंग ऐसा होगा जिसके पास रिसेसिव कैरेक्टर होगा शो होगा। ये जो अब बॉक्स है इसको पेनेट स्क्वायर भी कहते हैं, इसको आप जेनेटिक्स में बहुत पढ़ेंगे, ये पेनेट स्क्वायर है, इसकी वजह से आप क्रॉसेस करवा के चेक कर देंगे किसका क्रॉस किससे क्या रिजल्ट बनता है। ये बेसिकली मोनोहाइब्रिड क्रॉस है क्योंकि इसमें सिंगल ट्रेट इन्वॉल्व था। जो दूसरा क्रॉस होगा नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं पढ़ाऊंगा वो होगा डाईहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें दो कैरेक्टर्स को एक साथ पढ़ेंगे, यानी सपोज आई कलर हो गया और हेयर कलर हो गया लेकिन दोनों का एक दूसरे पर इफेक्ट नहीं होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको डिलीवर करूंगा। फिलहाल के लिए अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप कम्युनिटी पर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और नोट्स डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट btutions.com को विजिट करें। सो आपका देखने का बहुत शुक्रिया, फिलवक्त के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।